दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया न्यूज के टेक्निकल वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं फेसबुक पे राइट मैनेजर का जो ऑप्शन है तो वो कैसे लेते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं सारी चीज़ को लेके। तो आज की इस टेक्निकल वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये ऑल इंडिया न्यूज का टेक्निकल वीडियो है। आज की वीडियो में बस हम राइट मैनेजर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट मैनेजर्स जिसका अनेबल होता नहीं है उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके पहले हमें आप आते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करना होगा फेसबुक राइट मैनेजर। ठीक है, राइट मैनेजर सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे आप सर्च करेंगे आपको ये जो पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं rightsmanager.ab.com उसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका फेसबुक पहले से आपके अकाउंट में लॉगिन होना चाहिए, आपके ब्राउजर में लॉगिन होना चाहिए। तो उसके बाद आपको रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए, थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है थोड़ा सा, तो ये तो ऑप्शन हमारा खुल गया है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप फेसबुक राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना तो आपका फेसबुक पहले से आपके ब्राउजर में लॉगिन होना चाहिए। तो फेसबुक क्या करता है, उसको जब रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक उसको पहले से ले लेता है। तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉब्लम्स नहीं आते उस टाइम। तो इंटरनेट थोड़ा मेरा स्लो है, तो अभी ऑप्शन एक फॉर्म खुलने वाला है। फॉर्म खुलने के बाद हमें फॉर्म को फिलअप करनी है और उसके बाद अप्रूवल के लिए वेट करनी है। तो आज मैं एक पेज को अप्लाई करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फॉलो कर रहे हैं सारे स्टेप्स को और कैसे अप्लाई करने हैं। बहुत ही इजी स्टेप है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। राइट मैनेजर्स लेने के बाद आपके रेवेन्यू जो फेसबुक मोनेटाइजेशन की जो रेवेन्यू होगी वो डबल ट्रिपल हो जाएगी और आपकी वीडियो कंटेंट जो होगा वो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। कॉपी करता तो उसकी वीडियो को भी मोनेटाइज करके आप उसके भी पैसे आप अर्न कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत काम का टूल है। जितने भी क्रिएटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनको ये यूज़ करना चाहिए। हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं, तो आप अब सामने देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है ये खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज करने हैं अपने पेज को सबसे पहले कि आपके पेज कौन से पेज के लिए आपको अप्लाई करने हैं आपका राइट्स मैनेजर। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पेज आपको दिख रहे होंगे, कोई भी इसमें से मैं एक पेज में देख लेता हूँ जिस पर मुझे अप्लाई करने हैं उसको फिर अप्लाई करेंगे। चलिए, मैं ये एक पेज देख सकते हैं, इसको मैं क्लिक कर लिया हूँ और एक ये भी पेज है, मैं इसको भी चूज कर लेता हूँ। मैं दो पेज पे साथ ही में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज़ करना है आपको, मैं वीडियो के लिए चूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो चूज करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ राइट्स होल्डर यू आर, यू इंडिविजुअल क्रिएटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया कंपनी, क्या हो। तो आप, मैं इंडिविजुअल क्रिएटर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है प्राइमरी राइट होल्डर, इंटर द नेम ऑफ द पर्सन। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम भी दे सकते हो, अपना भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। मृत्युंजय सिंह है कर, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, मेरे बारे में बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल है। हाउ ऑफ्टन डू यू पब्लिश कंटेंट, यहाँ पे पूछ रहा है कि डेली करते हो, एवरी फ्यू टाइम्स वीक, मतलब हफ्ते में कभी कभी करते हो, वीकली करते हो। मैं वीकली का चूज कर लेता हूँ, मैं वीकली वीडियोज अपलोड करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू इश्यूज कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर, नो। मतलब अगर आपने कभी ऐसा कॉपीराइट कंटेंट रिपोर्ट नहीं किया कभी तो नो कर सकते हैं, अगर आपने किया तो यस भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा हूँ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ वीडियोस दैट यू लाइक टू प्रोटेक्ट, यहाँ पे आपकी किसी एक वीडियो के लिंक का लिंक देना है। तो मैं अपने कोई खोल लेता हूँ अपना पेज, उसमें से कोई एक वीडियो का लिंक खोल लूँगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। तो मैं अभी, मेरा पेज खुलता है, तो जैसे तुरंत कॉपी करके यहाँ पे अपन पेस्ट करते हैं। आपको सेम ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप फॉलो करने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो मोनेटाइजेशन होगा वो अप्रूव हो जाएगा। थोड़ा यूआरएल गलत हो गया था, सॉरी, अभी ये खुल रहा है। ये मेरा एक छोटा सा पेज है, मैं कभी वैसे वीडियोस डालता हूँ, ज़्यादा कुछ होता नहीं इस पर, तो फ्री रहता हूँ तो मैं हफ्ते में डालता हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आपको दिखाने के लिए कि कैसे राइट्स मैनेजर का ऑप्शन को अनेबल करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करना। लाइक कब आपको जो भी ऐसे कोई क्वेश्चन है किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाने होंगे हैकिंग टेक्निकल किसी वीडियो पे टॉपिक, तो आप कमेंट में टॉपिक हमें बताना, हम डेफिनेटली उसको अगले वीडियो में उसको मैं कवर करूँगा। थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों पेज का जो यूआरएल है मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज डज योर हैव ऑनलाइन प्रेजेंस, तो मैं यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम का पेज है, यूट्यूब का कुछ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शनल है, व्हाट इज शुड वी नो, कुछ ज़रूरत डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल सकते, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है जिससे फेसबुक आपको कॉन्टेक्ट करेगा। मैं अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है एक वेरिफिकेशन कोड पूछेगा फेसबुक, तो मैं अपना एक फेसबुक ईमेल आईडी यहाँ पे अपना ओपन कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन कोड, तो ये मैं इसके लिए अप्लाई कर दे रहा हूँ। फेसबुक जैसे ही कोड भेजेगा उस कोड को हमें यहाँ पे डालना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया, तो यह मेरा ईमेल आईडी खुल रहा है यहाँ पे। जैसे ईमेल आईडी खुलता है मैं आपको अपना ईमेल आईडी ओटीपी डाल के वेरीफाई करूँगा। तो एक मिनट, अभी आया नहीं जस्ट, क्योंकि मैंने जस्ट भेजा है। मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, मेरी सारी दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उसकी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट आई है उसे प्लगइन के थ्रू। फेसबुक में मुझे मृत्युंजय सिंह से फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक ओटीपी आ गया, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारा ओटीपी है, कॉपी किया पेस्ट किया, सॉरी 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 नहीं है, कॉपी पेस्ट एंड वेरीफाई। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। आपको ऐसे स्टेप फॉलो करने, घबराने की जरूरत नहीं है। जिससे आपको मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग एक्सेस यू राइट मैनेजर, उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, वो जैसे ही कुछ होगा तो मुझे अपडेट करेंगे। तो ये रहा स्टेप, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है, कोई भी इजीली फॉलो कर सकता है। तो आप अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें, कमेंट में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।